आज का प्रातः क्लास है सत्रह तीन 1966। गुरुवार को पांचवें पेज पर बात चल रही थी। आगे चल करके तुमको और ही अच्छा साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। विवेक माना क्या है? है विवेक माना ज्ञान। ज्ञान क्या कहता है? बंद आंखों का साक्षात्कार होना चाहिए या बुद्धि का साक्षात्कार होना चाहिए? है बुद्धि का साक्षात्कार होना चाहिए। ये बंद आंखों का साक्षात्कार तो भक्तों को भी होता आया है, विवेकानंद को, रामकृष्ण को भी हुआ, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, इनको भी हुआ और ब्रह्मा बाबा को भी हुआ। कौन सा साक्षात्कार? बंद आंखों का साक्षात्कार या बुद्धि का साक्षात्कार? बंद आंखों का साक्षात्कार हुआ भक्तों को। तो आगे चल करके कौन से साक्षात्कार होंगे? बुद्धि खुलेगी या आंखें बंद ही रहेंगी? बुद्धि खुलेगी, तीसरा नेत्र खुलेगा, ऐसा विवेक कहता है। ये बात तुम बच्चों को समझ में तो आती है ना? इन बातों से भी तुम बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं है। कि साक्षात्कार हो या ना हो, बच्चों का ताल्लुक है पूरी पढ़ाई पढ़ना। पढ़ाई रूहानी पढ़ाई है, जिस्मानी पढ़ाई नहीं है। रूह की और रूहानी बाप की पूरी नॉलेज होना। वो तो समझते हैं हम पढ़ते ही हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, तो जरूर स्वर्ग नया बनेगा। से पुरानी दुनिया में जो स्वर्ग आश्रम बनाए रखा है, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं होगा। जो नया स्वर्ग 5000 साल पहले बना था वो ही बनेगा। वो स्वर्ग पास्ट हो गया है, और कोई एक दफा थोड़े ही पास्ट हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग आता है। इन्यूमरेबल टाइम्स स्वर्ग पास हुआ है और नरक भी पास हुआ है अनगिनत बार। तो अभी नर्क पास हो गया है और अभी स्वर्ग की स्थापना। स्वर्ग और नरक दोनों पास हो गए, अभी कौन सा युग है? पुरुषोत्तम।
नरक होता है द्वापर कलयुग में। और अभी तो वो द्वापर कलयुग भी पार हुआ, संगम आ गया। ये तुम बच्चे जानते हो कि इस समय में ये सब पास हो गया, सतयुग में तो ये नहीं होगा कि पास हो गया है, वहां ये कुछ नॉलेज ही नहीं होगी बच्चों को। बच्चों को ये नॉलेज होगी नहीं, ये तो इस समय में है। सो भी इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम बच्चों को नॉलेज है। वो मनुष्य तो जानते हैं कि बरोबर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये पास्ट होते हैं, परंतु कब पास्ट होते हैं, कैसे कैसे पास्ट होते हैं, ये तो उनको मालूम ही नहीं है। पास्ट हो गया है ये क्यों नहीं उनको मालूम है। वो जानते हैं समझते हैं कि बरोबर ये पास्ट में पैराडाइज था, फलाना था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पर वो कब हुए कैसे हुए वो तो उनको मालूम ही नहीं है। इसलिए कोई भी समझा ही नहीं सकते हैं। नहीं तो अगर मालूम होता तो वो समझा सकते कि ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, कैसे मिला, पुरुषार्थ करके। क्या पुरुषार्थ? नर से डायरेक्ट नारायण बनने का पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ? सतयुग की स्वर्ग जैसी दुनिया की स्थापना। पुरुषार्थ क्या है उसके लिए? ये है सहज राजयोग की पढ़ाई, ये सहज राजयोग की पढ़ाई का पुरुषार्थ करके नारायण बने। और ये पढ़ाई किसने पढ़ाई? बाबा किसको कहा जाता है? तो जो साकार निराकार के मेल ने सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई, ये दुनिया वालों को कोई मालूम है? कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम है ना कि ये लक्ष्मी ये नारायण को सतयुग में ये जो राज्य किया ये कहाँ से प्राप्त किया। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण हुए उन्होंने ये राज्य कहाँ से प्राप्त किया है? किससे प्राप्त किया है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने शिव बाबा से प्राप्त किया। अपने माता, उनके माँ बाप कौन? संगम युगी लक्ष्मी नारायण। जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण हैं, उन्होंने किससे प्राप्त किया? शिव बाबा साकार हुआ, निराकार हुआ, आकार हुआ, कैसा हुआ? हुआ। तो उसका स्वरूप क्या है?
शिव बाबा का। हाँ, प्रजापिता तो निराकारी हो ही नहीं सकता, जिसे प्रजापिता कहा जाता है वो निराकारी नहीं हो सकता, क्योंकि पतितन है और जो पतित है वो निराकारी स्टेज में होगा नहीं होगा, जरूर पावन बनता है तब निराकारी स्टेज होती है। जैसे और धर्म पिताएं परम धाम से आते हैं, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है, ध्यान से इनका चेहरा देखो, निराकारी स्टेज इनके चेहरे से टपकती है या नहीं? ये तो धर्म पिताएं हैं, सिर्फ धर्म के बाप हैं, उन बापों का भी कोई बाप है जो साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज में टपकता है देखने से। देवताओं में कौन सा ऐसा देवता है जिसकी निराकारी स्टेज दिखाई जाती है? क्राइस्ट हुआ, उसके चित्र मिलते हैं, बुद्ध हुआ, उनके चित्र मिलते हैं, चरित्र की यादगार हैं, तो शंकर के भी चित्र मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? निराकारी स्टेज राजयोग से प्राप्त किए, परम धाम से आया या इसी दुनिया में रह करके राजयोग सीख करके वो निराकारी स्टेज प्राप्त की? इसी दुनिया में प्राप्त की। और जो धर्म पिताएं होती हैं वो डायरेक्ट परम धाम से आते हैं, और किसी मनुष्य में देवता में प्रवेश करते हैं, देवात्मा में। पतित में प्रवेश करते हैं या पावन में प्रवेश करते हैं? पतित में प्रवेश करते हैं। शिव बाप भी आते हैं तो किस में प्रवेश करते हैं? पतित में प्रवेश करते हैं। पतित को आकर के पावन बनाते हैं, और विरुद्ध है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाऊंगा। कैसा आप समान? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो लक्ष्मी नारायण ने कहां से प्राप्त किया? सतयुगी लक्ष्मी नारायण ने कहां से प्राप्त किया? संगमयुगी लक्ष्मी नारायण ने कहां से प्राप्त किया? और किसने दिया? किससे ये इनहेरिटेंस पाया? ये इनहेरिटेंस, ये वर्षा विश्व की बादशाही का संगमयुगी लक्ष्मी नारायण ने किससे पाया? है शिव बाबा से राजगुरु की पढ़ाई पढ़ते। शिव बाबा अलग है और शंकर का चित्र अलग है क्या? है शंकर का चित्र अलग है और शिव बाबा का चित्र देने वाला अलग है, है? जब तक पुरुषार्थी जीवन है तब तक शंकर को याद में दिखाया जाता है, तो पुरुषार्थी जीवन पूरा होता है तो याद का पार्ट खत्म, सब्जेक्ट ही खत्म उनके लिए, पढ़ाई पूरी। और वो राजयोग की पढ़ाई किसने पढ़ाई? जब कहते हैं शिव बाबा और ये भी बोला
इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है इस सृष्टि पर। तो क्या शिव बाबा ने शिव बाबा को अपने आप ही विश्व की बात सही दे दी? वर्षा तो साकार से मिलेगा, संगम नहीं, विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाली आत्मा सदा काल निराकारी है, वो कभी भी साकारी बनती ही नहीं। पतित दुनिया में आती है, पतित तने में आती है, पतित माहौल में आती है, तो भी वो कभी पतित बनती नहीं, सदैव निराकारी स्टेज, सदैव आत्मिक स्टेज में रहने वाली, इसे कहते हैं सदा शिव। शंकर में जो तीसरा नेत्र दिखाते हैं वो शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं कहा जाता। इसे साबित होता है कि देने वाली आत्मा अलग और लेने वाली आत्मा अलग। भक्ति मार्ग में भक्तों ने देह न देख पाने के कारण निराकार को कैसे देखें बिना ज्ञान के, इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, जबकि शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। अगर एक ही आत्मा होती भ्रकुटी के मध्य में तो शिव नेत्र नहीं कहा जाता, शंकर नेत्र भी कहा जाता। कभी शंकर नेत्र कहा जाता है? नहीं कहा जाता। इसका मतलब है कि शंकर में जिसे देव देव महादेव कहा जाता है, उसमें देव देव महादेव का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? है महादेव बनाने वाला कौन है? शिव है, इसलिए शिव नेत्र कहा जाता है। तो पता चलता है कि ये इनहेरिटेंस विश्व की बादशाही का किससे मिला, अथवा सतयुग की बादशाही का इनहेरिटेंस किससे मिला? शिव बाप से। सतयुग की बादशाही संगमी भी लक्ष्मी नारायण से मिला, इसके आगे तो कुछ था ही नहीं। शिव के आने से आगे तो कुछ भी था ही नहीं, जो था वो ठिक्कर ठोबर था। ठिक्कर ठोबर माने खुद ठेकरे खाने वाले और सारी दुनिया को भी ठोकरे खिलाने वाले। अब बताओ ये इनहेरिटेंस कैसे पाया? तो देखो ये खुद जा करके बनाते हैं। कौन और कहां जा करके बनाते हैं? ये संगम की लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, ये खुद जा करके सतयुग में इनको लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। सतयुग का फर्स्ट यहां से पढ़ाई पढ़ करके लायक बन करके फिर वहां बनाने के लिए, क्योंकि आपे ही बनाएंगे ना, कोई और बनाएगा? आपे ही बनाएंगे। किसको बनाएंगे? अपने बच्चों को बनाएंगे ना। यहां से पढ़ाई पढ़ करके लायक बन करके फिर वहां बनाने के लिए आप ही बनाएंगे। दुनिया में जो बैरिस्टर वगैरह होते हैं, इंजीनियर वगैरह होते हैं, वो भी पढ़ते हैं,
उन इंजीनियर्स को जब घर बनाना होगा तो आप ही जाकर के बनाएंगे, ऐसे तो नहीं पढ़ाई पढ़ ली मकान बनाने की और कोई दूसरा बनाएगा, खुद ही बनाएंगे ना, तो बना हुआ तो नहीं मिलेगा ना उनको, आप ही बड़े बड़े हॉस्पिटल फलाना फलाना बनाएंगे तो तुम्हारा धंधा ही क्या है, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को जो घोर अंधेरे में है उनको ज्ञान में ला करके सुजाग करो, उनको रास्ता बताओ, तुम्हारा ये ही धंधा है। जैसे बाबा बैठ करके प्यार से सब बच्चों को समझाते, उनमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं है, दरकार ही नहीं है इसमें। शिव बाप में देखो, बाबा को तो देहवान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी तो अपनी देह ही नहीं है। तुमको तो देहवान आता है घड़ी घड़ी, तो तुमको इस देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। देह अभिमानी होने से ही तुम अपनी सत्यानाश कर लेते हो और दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हो। देही अभिमानी बन करके तुम राज बैठ करके समझाएंगे तो अपना भी कल्याण करते हो इस राजयोग से। जब राज को समझते हो, दूसरों को समझाते हो, अपना भी कल्याण करते हो, दूसरों का भी कल्याण करते हो। देखो, जो यहां अपन को देही अभिमानी समझ करके सारा बाप का परिचय बैठ कर देते हैं और जैसे बाप कहते हैं, बच्चे तुमको गुणवान बनना चाहिए, ये अवगुण है, काम है, क्रोध है, फलाना है, ये सभी देह अभिमान की औलाद हैं, देवान आता है पीछे ये सब विकार शुरू होते हैं, किसको बुरा कहना, किससे लड़ना झगड़ना, या देवान की बहुत नबाबी झारण, नबाबी चलाना, नहीं, ये देव को तो बाबा बोलते हैं ना, भले राजयोग है इसमें कोई संशय नहीं है, तो भी तुमको नबाबी नहीं चलाना है, साधारण रहना है, नहीं तो थोड़ी ही चीज में अहंकार आ जाता है। थोड़ा साहूकार बने, थोड़ा धन आया, देवान आ जाता है। अरे घड़ी पहनते हैं उसमें भी देवान आ जाता है। हमारी इतने पैसे की घड़ी है, क्यों ऐसा होता है? अच्छा,
घड़ी फैशनेबल ना रही। आजकल 50-25 की भी घड़ियां मिलती है ना। कौन सी है? है घड़ी फैशनेबल ना हुई और दूसरों को देखा है इनकी घड़ी बड़ी फैशनेबल है। बस किसी की घड़ी फैशनेबल देखी और सुनी होगी ना, तो भी उनको ये ख्याल होता होगा कभी ये है फैशनेबल घड़ी हमको मिले और हम पहन के दिखावें। इसको भी कहा जाता है देवान। और पेन देखो, पेन लेते हैं, अभी कितनी अच्छी पेन होगी, बहुत अच्छी पेन होगी तो संभाल बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। बार बार जेब में हाथ जाएगा। रुपए 1.5-12 आने की घड़ी होगी तो क्या उसकी संभाल करेंगे? चली जाए तो चली जाए। चली जाए तो भी कोई हर्जा नहीं। तो देखो सस्ती चीज में कोई मोह नहीं जाएगा। पेन अच्छी होगी, संभाल करनी पड़ेगी। अच्छा संभालते हैं, पेन में मोह रखते हैं और उसी समय अगर शरीर छोड़ जाए तो आत्मा जाकर के छी छी बन जाएगी। क्योंकि फिर भी कोई जिस्मानी चीज में मोह रखा ना, अपनी देह में भी मोह नहीं रखना है, देह के संबंधियों में भी मोह नहीं रखना है और देह के पदार्थों में भी मोह नहीं रखना है। कोई की चीज चली जाती है तो कितना एक दो को उलाहना देते हैं, जरूर तुमने चोरी की होगी। फलाने की इतनी फैशनेबल चीज चली गई, जरूर तुम्ही ने चुराई होगी, तुम्हारे पास तो ऐसी चीज होती नहीं। ऐसे होता है ना, साधारण चीज होगी तो कोई कुछ भी कह नहीं सकेंगे। सत्रह 3-66 की वाणी का 6 पेज। तो ये जो देह अभिमान की आदतें पड़ी हुई हैं, मैं पार कर पेन रखूं, मैं फलानी कंपनी की पेन रखूं, मैं फलानी चीज पहनूं, साड़ी ऊंची पहनूं, ये सभी तो देह वाहन है ना। इनमें फिर ज्ञान की ठहराइश नहीं होती है। फिर सर्विस के बदले में और ही डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। जरूर डिससर्विस करेंगे। क्योंकि देही अभिमानी नहीं है ना। तो मूल बात यह है
ये जो मरे हैं पतित बने हो, तो किसके कारण बने हो? है ज्ञान में चलते चलते जो मरे, अथवा जो जन्म जन्मांतर पतित बनते रहे, उसका एक ही कारण देवन। रावण ने आकर के देहबानी बनाई दिया। क्या कहा? ये देहबान बढ़ाने वाला कौन बताया? ये रावण कौन है? कौन से गुरु लोग? छोटे मोटे गुरु लोग या बड़े बड़े गुरु लोग? बड़े बड़े कौन है? बड़े बड़े कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा तो अज्ञान काल में साहूकार थे, ज्ञान में आने के बाद उन्होंने कौन सी नवाबी झाड़ दी है? कोई को पता है क्या? ज्ञान में आने के बाद बहुत साधारण रहे। साधारण रहे। ये किसके लिए कहा जाता है? अलिफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। ब्रह्मा बाबा को ओम मंडली में जो सरपरस्ती मिली, वो कौन से सन से मिली? 1947 से। उससे पहले जो ओम मंडली का मुखिया था वो कौन था? जो मुखिया था उसने अपनी सरपरस्ती कैसे छोड़ दी? उसका कारण क्या हुआ? कारण था पवित्रता से, पवित्रता को लेकर झगड़ा हो गया था। यज्ञ में ब्रह्मा बाबा से डर गए, तो वो समाज का सामना नहीं कर पाए विरोध का, और प्रजापिता का साथ छोड़ दिया। प्रजापिता गलत काम कर रहा होगा तो छोड़ दिया। नहीं, वो अज्ञान बस ना, समझ उतनी बच्चा बुद्धि थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा बच्चा बुद्धि थे? वो समझ नहीं पाए। सारे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बच्चा बुद्धि थे। जो प्रजापिता के साथ के थे वो तो अलग हो गए 47 के बाद ही। 47 के बाद अलग हुए? 47 नहीं, अलग हो गए, सॉरी। कि प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद ही अलग हो गए? छोड़ने के बाद ही अलग हो गए। तो सिर्फ ये कहें कि ब्रह्मा बाबा ही रावण है क्या? रावण तो बाद में जो धर्म पिताएं आए, इब्राहिम कौन सा धर्म स्थापन किया? इस्लाम धर्म। कौन सा अवगुण? काम विकार। काम विकार दृष्टि का मतलब, दृष्टि दोष। इब्राहिम के बाद? उसके बाद तो बुद्ध है, बहुत बुद्ध। इब्राहिम के बाद विदेशी धर्म कौन सा आया? क्रिश्चियन धर्म। कौन सा विकार विशेष? ठंडा क्रूरता और दिखावा। दिखावा अभी काय की बात हो रही थी? अच्छी घड़ी पहनूं, अच्छी साड़ी पहनूं, ये दिखावा है या नहीं है? ये कौन से धर्म से आया दिखावा? क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म से ये दिखावा आया भारतवासियों में। ये देवान आया धर्मगुरुओं से, ये काम विकार आया
धर्म गुरुओं से, फिर विदेशी धर्म पिता कौन आया है? मोहम्मद आया, मोहम्मद के द्वारा स्थापन हुए मुस्लिम धर्म में मुसलमानों ने भारत में आकर के क्या किया है? भारत में लूटपाट की, लोभ के आधार पर तहस नहस किया। मोहम्मद गजनी जैसे मुसलमान आकर के भारत को खाकीन करके चले गए, ऊंटों पे भर भर करके सोना चांदी हीरा जवाहरात ले गए। ये कौन सा विकार हुआ? लोभ। तो बताया इस रावण ने आकर के क्या किया? चलो काम क्रोध लोभ ये तो समझ लिया, मोह अहंकार। फिर अहंकार कौन? नास्तिक हो गया। चलो नास्तिक अहंकार हो गया। अच्छा इन पांचों विकारों का बाप कौन? वो कौन है? है देवान जो है वो रावण के पांच सिर दिखाए जाते हैं, उसके ऊपर भी कोई सिर दिखाया जाता है बाप के रूप में। वही तो गधा रखा है। कोई है या नहीं है? ब्रह्मा कुमारी फोटो खींचो सामने से, ब्रह्मा कुमारियों को दिखाई पड़े। तो रावण के सिर के ऊपर देवान का चित्रण किया गया है गधे के रूप में। कैसा देवान? गधे को बार बार स्नान कराओ, ज्ञान स्नान कराओ, बेसिक में ज्ञान स्नान कराओ, एडवांस में ज्ञान स्नान कराओ, वर्षों कराओ, बीसियों वर्ष, फिर क्या करता है? है वो ही देवान की धूल में लोटपोट हो जाता है। एक बार नहीं बार बार हो जाता है। अरे एडवांस में कैसे हो जाएगा? एडवांस में तो एडवांस शुरू होने से कई वर्ष पहले ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो कैसे? देह ही नहीं है तो देवान में कैसे लुट गया? सूक्ष्म शरीर है ये स्थूल देह में विकार कम परिलक्षित होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसमें विकार अच्छी तरह से परिलक्षित होने लगते हैं। देखने में आता है इनकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई। भूत प्रेतों में देखने में आता है कि नहीं है? फिर वो ब्रह्मा की आत्मा अभी ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? है बजाती है। तो देवान सारे विकारों की जड़ है। जिससे सर्विस के बदले डिससर्विस जरूर होती है। रावण ने आकर के देवहानी बनाई दिया। किनको? सतयुग त्रेता के देवताओं को। इस समय में बड़ा सादा रहना चाहिए। देखते हो बाबा भी सादा रहते हैं ना, कहते भी रहते हैं तो नहीं,
कहते जरूर रहते हैं तो भी नहीं, वो अहंकार गिरने का छोड़ते नहीं है। ये क्या कह दिया है? बाबा कहते भी रहते हैं सादा रहो, ब्रह्मा बाबा कहते थे कि नहीं सादा रहो, कहते भी रहते हैं तो नहीं, वो अहंकार गिरने का छोड़ते नहीं है। भले कहते रहते हैं गिरने का अहंकार छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं छोड़ते, ब्रह्मा बाबा ने गिरने का अहंकार नहीं छोड़ा है? नहीं, नहीं छोड़ा। कैसे? तभी तो सूक्ष्म शरीर में भी देह भाग ने लुटा। ओहो, सूक्ष्म शरीर में आने के कारण तो दूसरा था कि जिन बच्चों के ऊपर उनको बहुत विश्वास था उन्होंने धोखा दे दिया, संस्था को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया, सारी ताकत बच्चों ने अपने हाथ में ले ली, जब बाबा को पता चला तो हार्ट फेल हो गया और सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। वो बात तो दूसरी है, लेकिन यहां तो बात है कि बाबा सादा रहते भी थे और कहते भी थे सादा रहना, तो भी अहंकार गिरने का छोड़ते नहीं है। ये क्या कह दिया? मुरली तो शिव बाबा की है, प्रजापिता की तो नहीं है, नहीं। ब्रह्मा की तो मुरली नहीं है, नहीं, शिव बाबा ने ये क्या कह दिया? तो भी वो अहंकार गिरने का छोड़ते नहीं है। क्या अहंकार है? क्या देवान? नहीं कि मैं गीता का भगवान कृष्ण हूँ, ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा का शरीर, इस शरीर के संग के रंग से ही सुधार होगा, गोद में ले लो, आओ बच्चे गोद में आ जाओ। चलो भाई लोग गोद में आ जाएंगे तो कुछ भी नहीं, बच्चे गोद में आ जाएंगे कुछ होगा नहीं। कम उम्र की कन्याएं माताएं गोद में आएंगी, भले बूढ़ा शरीर है, बाबा तो कहते 70 साल के बुड्ढों को भी देवान आ सकता है कि नहीं? और जितने पुरुष हैं वो सब, उन सब पुरुषों में ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, आ गया या नहीं आ गया? तो ये गिरने का देह अहंकार छोड़ा कि मैं भगवान का साकार रूप नहीं हूं, तो अपने को ही भगवान का कहते थे मेरे, कहते नहीं थे, कहा कभी नहीं कि गीता का भगवान मैं हूं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट ऐसी की गोद में लेने की, इसे साबित होता है कि क्या उनकी कर्मेंद्रियों पर उनका कंट्रोल था पूरा है? नहीं था। तुम्हें कैसे मालूम कि नहीं था है? नहीं, ये कैसे पता चले कि वो उनको अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं था? तो विकार पैदा होता है, चलो गोद में लिया विकार पैदा हुआ, अब वो तो अंदरूनी इंद्रिय है, पता तो चलेगा नहीं, जो गोद में गया उसको थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन ये कैसे पता चले कि पतित हुआ या नहीं हुआ? ज्ञान क्या कहता है? संकल्प से पतित होगा, मोहजित नहीं बन पाया। तो हो इंद्रियों की बात है यहाँ, गोद में लिया तो गोद में इंद्रिय कौन सी होती है जो काम करती है?
इंद्र जी तो बन गए नहीं बन गए इंद्र जी तो बनेंगे तो शक्ति से पतित नहीं होंगे, शक्ति का पात पतन नहीं होगा। और इंद्र जी तो नहीं बने होंगे तो क्या होगा, संग के रंग से पतन जरूर हो जाएगा। इसलिए बोला, देखो ये बाबा भी सादा रहते हैं, कहते भी रहते हैं सादा रहो, कहते भी रहते हैं, भले कहते रहते हैं तो भी नहीं, वो अहंकार गिरने का छोड़ते नहीं है। मरते दम तक बच्चों को गोद में लेते रहे थे, गोद में लेने का अहंकार छोड़ दिया नहीं छोड़ा, तो फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में इतना कुछ देखने में नहीं आता है। इतना माने कितना, किस तरफ इशारा किया, इतना इतना माने कितना है, संगमी लक्ष्मी नारायण जैसा, इतना इतना कुछ, इतना कुछ माने विश्व की बादशाही जैसे लक्ष्मी नारायण लेते हैं, ऐसा कुछ देखने में आता नहीं है। तो देखो ऊंचा पद पाने के लिए हरेक की सर्विस देखी जाती है, ये कैसी सर्विस करते हैं। देखो बाबा सर्विस पर भेज देते हैं, ये तो बच्चों को समझाया, कैसे समझाओ शिव की कृष्ण की फलाने की, फिर भारतवासी गिरे कैसे। कृष्ण भगवान की पूजा की, कृष्ण की पूजा की, राम की पूजा की, इतने ऊंची ऊंची हस्तियों की पूजा की, फिर भारतवासी गिरे कैसे। ये रावण राज्य कैसे कैसे हुआ, कब से शुरू होता है। भक्तों को तो कुछ भी पता नहीं कि द्वापर कब से शुरू होता है, द्वापर शुरू होने का कारण क्या, कलाएं कम हो जाती, कलाएं तो त्रेता में भी कम हो जाती है, ये कोई बात हुई। कारण है जैसे युग का नाम है द्वापर, द्वैतवादी पुर शुरू हो गया, पहले एक धर्म था सतयुग त्रेता में देवी देवता सनातन धर्म, फिर द्वैतवादी दूसरे दूसरे धर्म आ गए तो द्वापर शुरू हो गया, दूसरे दूसरे धर्म आए तो उनके आधार पर दूसरे दूसरे राज्य भी आए, दो दो राज्य हो गए, दो दो धर्म हो गए, दो दो कुल हो गए, दो दो जातियां हो गई, दो दो भाषाएं हो गई, हर बात में द्वैतवाद शुरू हो गया, तो नाम क्या पड़ गया, द्वापर युग। तो ये बातें कोई दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, ब्राह्मणों की दुनिया में कब से शुरू हुआ। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो क्या द्वैतवाद शुरू हुआ, बड़े बड़े मेला प्रोग्राम लगे, मेला वेला कोई द्वैतवाद नहीं हुआ। पहले
सारे भारत का संचालन सेंटर्स का माउंट आबू से होता था। जैसे ही बाबा ने शरीर छोड़ा उसी वर्ष में क्या परिवर्तन हो गया, जोनल इंचार्जेस बनाए गए, अपना अपना स्टेट संभालो। राज्यवाद शुरू हो गया, धारणाएं अलग अलग होने लगी, अलग अलग भाषाओं में साहित्य छपने लगा। बाबा ने तो दो ही भाषाओं के लिए प्रेफरेंस दिया, हिंदी और अंग्रेजी। जो कर्नाटक का इंचार्ज हुआ उसने कन्नड़ में छपाना शुरू कर दिया, ढेर का ढेर लिटरेचर, मुरलियां भी कन्नड़ में। अब बताओ बाबा की भाषा, बाबा की जबान में ही नहीं सुनेंगे तो हिंदी भाषा आएगी कैसे? हिंदी भाषा ही नहीं आएगी तो माता पिता की संतान कहे जाएंगे? नहीं। बच्चा घर में पैदा होता है, माता पिता की भाषा बोलता है या नहीं बोलता है? अगर बोलता है तो माँ बाप का बच्चा साबित होता है, नहीं बोलता है तो माँ बाप का बच्चा साबित ही नहीं होता। कोई कहे अच्छा शिशु है, छोटा बच्चा है, बोल नहीं पाता, गड़गड़ गड़गड़ करता है, तो ठीक है वो बच्चा अपनी भाषा में कड़बड़ 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 करता रहे, है तो बच्चा ना, बाप का बच्चा तो नहीं हुआ, मातेला तो नहीं हुआ। माँ तो बच्चे को भाषा सिखाती है ना, बाप की भाषा सिखाती है। तो किसी को पता नहीं है कब से शुरू हुआ रावण राज्य, क्योंकि द्वापर की आयु बहुत लंबी चौड़ी शास्त्रों में रख दी है। बाबा बताते हैं सिर्फ 2500 साल, 2500 साल, इतने वर्ष की हिस्ट्री मिल रही है सिर्फ प्रूफ और प्रमाण सहित, इससे पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है। इस हिस्ट्री कब बनाई जाती है? हिस्ट्री बनाई तब जाती है जब दुख शुरू होता है, तब तबारीखें शुरू होती हैं, लंबा टाइम लगने लगता है दुखों में, चाहे वो विक्रम संवत हो, चाहे शक संवत हो, हूण संवत हो, ईसवी संवत हो, ख्रिस्त संवत मुसलमानों का हो, कोई भी संवत हो। द्वैतवादी द्वापर युग से अनेक प्रकार के ये संवत शुरू हुए हैं। पहले दिन नहीं गिने जाते थे, महीने नहीं गिने जाते थे, जब से ये हिस्ट्री शुरू हुई है 2500 साल की, अनेक प्रकार के धर्म आए, तब से द्वापर युग शुरू हुआ। हजारों लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं जो शास्त्रों में लिख दिया। तो अभी तो ये तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाई दिया है, तो अभी अपने ही महारथियों को शो करनी चाहिए। जो महारथी बच्चे होंगे वो कोई छिपे नहीं रह सकते, देखते रहते हो कि जो भी अच्छे देखने में आते हैं, ये फलाना है, भला एक महीने का भी है, एक महीने के लिए सेंटर छोड़ के तो जाओ, वहां जाकर के कुछ भाषण तो करो। हे मनोहर, तुम कहां जाकर के भाषण तो करो। समझा ना?
किसको दूसरे को नहीं मंगाते हैं, मनोहर को ही क्यों मंगाते हैं? क्योंकि दूसरे वो इतने होशियार नहीं हैं। क्या कहा उस समय कुमार का दादी थी कि नहीं थी, चंद्रमणि दादी थी या नहीं थी, है? और बड़ी बड़ी दादियां थी या नहीं थी? किसका नाम लिया? मनोहर दादी का नाम लिया। वैसे भी अभी एक वाणी में बोला है कि मनोहर यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री सुनाती है। पहले सभी ब्रह्मा कुमारियां प्रजापिता की बात करती थी, पीयू की बात करती थी। जब से एडवांस ज्ञान निकला सब ने मुंह बंद कर लिया। मनोहर दादी सच्ची बात कहने से नहीं चूकती थी, तो उनको किसी भी जोन का इंचार्ज नहीं बनाया गया। बाबा जानते हैं और वो बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा कहते हैं ना, मेरे से आकर कोई पूछे, जैसे बाबा कथा सुनाते हैं ना, कोई साधु था जा करके साहूकार के पास बैठा, उनसे पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोला भाई दो बच्चे हैं। थे 5-7 बच्चे। बोला क्यों? बोला दो ही सपूत हैं और बाकी तो कपूत हैं। कपूत बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते, जो मेरे आर्डर पर नहीं चलते, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मेरी रचना कहाँ है? मेरे खून के होते तो मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते? पराये खून के हैं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरी बात नहीं मानते, कपूत हैं। तो वो दो बच्चे सपूत हैं मेरे। अच्छा, इस बड़े बाबा से अगर कोई पूछेगा तो ये बड़ा बाबा क्या कहेगा? ये क्या, कितने बाबा हो गए हैं? कितने बाबा हो गए? दो बाबा हो गए। बड़ा बाबा, छोटा बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा, छोटा बाबा। और बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को, तो ब्रह्मा बाबा तो साकार थे। अब ये बड़े बाबा कौन? शिव बाप, शिव बाप तो बाप हुआ ना आत्माओं का। ग्रैंडफादर थोड़े ही कह सकते, ग्रैंडफादर बाबा को कहा जाता है या तो बूढ़ा को कहा जाता है। आने वाले पार्ट को लिखा रहा हूं। हाँ जी, तो छोटा बाबा, बड़ा बाबा। कोई बड़े बाबा से पूछेगा तो क्या कहेगा? इनसे भी पूछेंगे। किनसे? इनसे भी पूछेंगे। किनसे? छोटे बाबा से भी, ब्रह्मा बाबा से भी पूछेंगे, आपको कितने बच्चे? ये कहेंगे भाई हमारे पास बच्चे तो अनगिनत हैं, उनमें भी कोई सपूत हैं, कोई कपूत हैं। जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्या कहा, सपूत की परिभाषा बताई, जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार हैं। क्योंकि ऐसे बाप का तो फरमानबरदार
फरमान बरदारी करना, वफादारी करना, ऐसे भी तो चाहिए ना। कैसे चाहिए वफादार? बाबा चाहे आप मारो करो, मारो चाहे ठुकराओ, लेकिन हम तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। देखो गीत भी ऐसे गाए हुए हैं, और यहां तो ऐसे बच्चे हैं कुछ भी नहीं करो तो भी बिगड़ते रहते हैं। बस क्यों बिगड़े भाई? फलाने ने हमको ऐसे क्यों बुलाया? फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला, फलाने ने मुझे ऐसा किया। यही धूत पना लगा रहता है। बाबा कहते हैं अगर ऐसे तुम चलते हो और इनके ऊपर आते हो तो फिर तुम मर जाएंगे एकदम, क्योंकि यहां तो बहुत ऐसी धूतियां हैं जो तुमको मार करके गिरा देंगी। कहां की बात बताई है? कहां की बात बताई? बेसिक की बात बताई। बहुत ऐसी धूतियां हैं जो तुमको मार करके गिरा देंगी, चट कर देंगी। जैसे रामचंद्र और सीता को चट कर दिया, क्या कहा है? ये धूतियों का काम था ना। तो ये दृष्टांत है। क्या धूतियों ने किया? वफादारी का काम किया या राम वाली आत्मा के साथ बेवफाई का काम किया? पहले तो भगवान मिल गया, भगवान आ गया, बड़े प्यार से बैठ करके ज्ञान सुनते थे। किसका? पीयू का। फिर बाद में पब्लिक में जाकर के बेवफाई कर दी। ये धूतियों का काम था जो राम सीता को फेल कर दिया। ये दृष्टांत है ना। तो ये धूतियां कितनी नुकसानकारक हैं, ऐसी ऐसी है जो किसी की भी राजाई को गुमा देंगी। फिर ऐसे बहुत हैं जो धूतियों के कारण कई विचारों ने भागंती का पार्ट बजाय लिया। ये धूतियों के कारण उन्होंने अपनी राजाई गुमाई दी। ऐसी धूतियां यहां हैं, अभी तलक भी मौजूद हैं। कौन से सन की मुरली है? उनका धंधा सिर्फ यही रहता है, किसको कुछ कहना, किसको कुछ कहना, किसको कुछ कहना। फिर जो एक बाप की श्रीमत पर न चलने वाले होते हैं वो उन्हीं धूतियों की बातें मानने लग पड़ते हैं। अरे धूतियां अपने मुंह से बकती हैं, बकने दो। कुछ
कुछ भी बुरा भला कहा, अपने मुंह से कहा, उनका अपना पाप बन गया, तुमको क्यों परेशान होना। अच्छा, ओम शांति।